हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडू कैप। मैं ज्योति भारद्वाज और आज हम पढ़ने वाले हैं सीएसआईआर नेट लाइफ साइंस का फर्स्ट यूनिट, जिसको हम कहते हैं बायोकेमिस्ट्री। एंड आप जानते होंगे कि सीएसआईआर में इस बायोकेमिस्ट्री को कहा जाता है मॉलिक्यूल्स एंड देयर इंट्रैक्शन, क्योंकि इस पूरे बायोकेमिस्ट्री में हम मॉलिक्यूल्स और उनके बीच के इंट्रैक्शंस की ही स्टडी करते हैं। जैसा कि वर्ड से पता चल रहा होगा, बायोकेमिस्ट्री मींस ये दो वर्ड से मिलके बना है, एक आपका बायोलॉजी एंड देन केमिस्ट्री। इस बायोकेमिस्ट्री वर्ड को समझने के लिए मैं आपको एक छोटी सी एनालॉजी बताती हूँ। जैसे कि सबसे पहले जो साइंस आया वो था मैथमेटिक्स, यानी सबसे पहले डिराइव हुआ मैथमेटिक्स, एंड देन मैथमेटिक्स से डिराइव हुआ हमारा फिजिक्स, एंड फिजिक्स से डिराइव हुई हमारी केमिस्ट्री, एंड केमिस्ट्री से डिराइव हुई थी हमारी बायोलॉजी। एंड जो भी स्टूडेंट्स मैथ के स्टूडेंट्स हैं वो प्योर मैथ्स की स्टडी करते हैं, लेकिन वहीं अगर आप देखें जो स्टूडेंट फिजिक्स के स्टूडेंट्स हैं वो क्या करते हैं, वो फिजिक्स तो पढ़ते ही पढ़ते हैं, इसके अलावा उन्हें मैथ्स का भी नॉलेज होना चाहिए। जैसे मैथ्स के कुछ बेसिक टॉपिक्स आपका इंटीग्रेशन, डिफ्रेंसिएशन, जैसे बहुत सारे ऐसे बेसिक चीज़ें हैं जो बच्चों को आनी चाहिए अगर वो फिजिक्स के स्टूडेंट है तो। और अगर हम किसी केमिस्ट्री के स्टूडेंट की बात करें तो केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स को फिजिक्स तो आना ही आना चाहिए, एंड देन उसे मैथ्स के भी बेसिक रूल्स आने चाहिए, तब वो केमिस्ट्री की पढ़ाई कर सकता है। एंड देन अगर कोई स्टूडेंट बायोलॉजी का है तो इस बायोलॉजी के स्टूडेंट, जैसे कि आप लोग बायोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं, लाइफ साइंस के स्टूडेंट हैं, तो ये बायोलॉजी वालों को मैथ्स भी आना चाहिए, फिजिक्स भी आना चाहिए, केमिस्ट्री भी आनी चाहिए। ऐसा नहीं कि होल ओवर मैथ्स आना चाहिए, फिजिक्स में सब कुछ आना चाहिए, लेकिन हाँ बेसिक्स तो ज़रूर आना ही चाहिए, तभी आप बायोलॉजी को पढ़ सकते हैं। एंड देन जब केमिस्ट्री से बायोलॉजी डिराइव हुआ तो उस समय बायोलॉजी डिराइव होने से पहले इन दोनों के बीच का एक हाइब्रिड सब्जेक्ट बना था, जिस सब्जेक्ट को हम कहते हैं क्या, बायोकेमिस्ट्री। मींस केमिस्ट्री से बायोलॉजी के डेरिवेशन में एक हाइब्रिड सब्जेक्ट बना जिसे बायोकेमिस्ट्री के नाम से जानते हैं, और आज हम इसी सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। ओके, अगर कोई स्टूडेंट अगर केमिस्ट्री या फिजिक्स का हो और आपको कह रहा हो कि हम तो ज़्यादा नॉलेजबल हैं, तो आप उन्हें कह सकते हैं नहीं, बायोलॉजी वाले जो हैं जैसे कि आप लोग, वी आर वेरी स्मार्ट। क्यों? क्योंकि आप उन्हें कहेंगे कि आप लोग तो सिर्फ फिजिक्स और केमिस्ट्री जानते हैं, बायोलॉजी का तो आपको भी नहीं आता, लेकिन हम बायोलॉजी वाले जो हैं वो बायोलॉजी तो जानते ही हैं, इसके अलावा आपके सब्जेक्ट के बेसिक्स को भी जानते हैं, तो सोचिए आप कितने स्मार्ट हैं। चलिए तो हम लोग वापस आ जाते हैं अपने सब्जेक्ट बायो केमिस्ट्री पे, जो केमिस्ट्री और बायोलॉजी से मिलके बना है। अब बायोलॉजी तो आप पढ़ते आए हैं बचपन से ही, क्योंकि आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं, लेकिन केमिस्ट्री की थोड़ी बात कर लेते हैं। बायोलॉजी मींस क्या, लिविंग बींग्स, जैसे कि हम हैं या जितने भी लिविंग बींग्स होते हैं वो होते हैं। केमिस्ट्री में क्या पढ़ते हैं हम, केमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं एटम, एटम से मिलके बने होते हैं हमारे मॉलिक्यूल्स, एंड मॉलिक्यूल से मिलके बने होते हैं हमारे बायो मॉलिक्यूल्स, और केमिस्ट्री में हम कुछ एलिमेंट्स की स्टडी करते हैं, उन एलिमेंट्स के बीच कैसा इंट्रैक्शन होता है, कैसी बॉन्डिंग होती है, वो एटम्स मिलके कैसे मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, इन सब की बात हम केमिस्ट्री के अंतर्गत करते हैं। एंड देन जो मॉलिक्यूल्स होते हैं केमिस्ट्री वाले, वो मिलके क्या बना रहे होते हैं, मैं बॉडी के अंदर जो बायो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इन्हीं मॉलिक्यूल से मिलके बना होता है। फॉर एग्जांपल एक मॉलिक्यूल H2O वाटर, क्या आप जानते हैं कि हमारे बॉडी में 75% पानी ही है। अगर हम एक सेल की भी बात करें जिससे मिलके हमारा बॉडी, होल ओवर बॉडी बना होता है, और सेल तो एक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ होने के साथ साथ ये सिंगल भी सर्वाइव कर सकता है, ऐसी कैपेसिटी होती है इसकी, तो इस सेल में भी लगभग 70% क्या होता है, वाटर होता है। और ये 70% जो वाटर है H2O, ये आपको क्या दिख रहा है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, मींस ये एलिमेंट से मिलके बना हुआ एक मॉलिक्यूल है। तो मॉलिक्यूल हम किस में पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री में,
और ये पानी है कहाँ, तो हम लोगों के लिविंग बींग्स में, मीन्स मतलब आप देख रहे हैं कि कैसे केमिस्ट्री हम लिविंग बींग्स के अंदर आ चुका है, यानी कि ये बायोलॉजी के अंदर केमिस्ट्री का क्या रोल है, यही तो हम आज जान रहे हैं कि हमारे बायोलॉजी में केमिस्ट्री का क्या रोल है। तो केमिस्ट्री का रोल कुछ ऐसे है कि केमिस्ट्री में होते हैं एटम, एटम से बने होते हैं मॉलिक्यूल्स, और ये मॉलिक्यूल्स हमारे बॉडी में होते हैं, एंड देन वो मॉलिक्यूल्स मिलके बायो मॉलिक्यूल्स बना रहे होते हैं। और आप जानते हैं कि हमारे बॉडी में बहुत सारे बायो मॉलिक्यूल्स हैं, जिसमें कुछ हैं आपके एमिनो एसिड्स, न्यूक्लिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, कार्बोहाइड्रेट्स, ये सब कुछ बायो मॉलिक्यूल्स हैं जो हमारे बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। और ये किससे मिलके बने होते हैं, तो ये मॉलिक्यूल्स से मिलके बने होते हैं। और ये बायो मॉलिक्यूल्स क्या बना रहे होते हैं, तो ये बायो मॉलिक्यूल्स हमारे सेल्स को फॉर्म कर रहे होते हैं, और सेल हमारे बॉडी को फॉर्म कर रहा होता है। यानी कि आप देख रहे हैं डायरेक्टली नहीं, लेकिन इनडायरेक्टली हमारे बॉडी में क्या है, केमिस्ट्री है। यानी लिविंग बींग्स के अंदर कौन सी चीज़ आ रही है, केमिस्ट्री आ रही है। और आज हम बायोलॉजी के अंदर आने वाली केमिस्ट्री की ही बात करने वाले हैं, और इस पूरे लेसन में यानी फुल यूनिट में बायोकेमिस्ट्री में हम यही बात करेंगे कि जो ये कुछ बायो मॉलिक्यूल्स हैं, एमिनो एसिड, न्यूक्लिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, कार्बोहाइड्रेट्स, इन सब का स्ट्रक्चर कैसा है, ये कैसे मिलके बने हुए हैं, और हमारे बॉडी में इसका एसेंशियल रोल क्या है, कितने एसेंशियल हैं ये हमारे बॉडी के लिए। एक एक करके लगभग आपके यूनिट के ये चैप्टर्स हैं, एमिनो एसिड, न्यूक्लिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, ये बायोकेमिस्ट्री जो यूनिट है उसके अंदर का ये सारा चैप्टर है, जिसके बारे में हम डिटेल स्टडी आगे जाके करेंगे। लेकिन एमिनो एसिड, न्यूक्लिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, इन सब को पढ़ने से पहले, चूँकि ये बायो मॉलिक्यूल्स हैं और मॉलिक्यूल्स से मिलके बने हैं, तो हम थोड़ा पहले किसके बारे में जानेंगे, मॉलिक्यूल्स के बारे में जानेंगे। और मॉलिक्यूल्स किससे मिलके बने हैं, एटम से मिलके बने हैं, तो हम पहले थोड़ा सा किसके बारे में जानेंगे, एटम के बारे में जानेंगे। मीन्स बायोलॉजी स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ी सी केमिस्ट्री जानेंगे, और केमिस्ट्री में क्या क्या जानना ज़रूरी है इस बायो मॉलिक्यूल्स को समझने के लिए। तो सबसे पहले तो आपको एटम एंड मॉलिक्यूल्स के बारे में पता होना चाहिए, और साथ ही साथ एटम मॉलिक्यूल्स के बीच होने वाले इंट्रैक्शन के बारे में पता होना चाहिए, यानी इनके बीच बनने वाले बॉन्डिंग्स के बारे में पता होना चाहिए कि कैसे ये बॉन्ड बनाते हैं और कैसे ये बायो मॉलिक्यूल्स को फॉर्म करते हैं। इसके अलावा आपको नॉलेज होना चाहिए थर्मोडायनेमिक्स का, थर्मोडायनेमिक्स के अलावा आपको पता होना चाहिए पीएच एंड बफर कॉन्सेप्ट। ये सब कुछ केमिस्ट्री के हैं, लॉग, मोल कॉन्सेप्ट, ये सब कुछ बेसिक केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट है। अगर आप इन्हें जानिएगा तभी आप इस बायोकेमिस्ट्री के एमिनो एसिड, न्यूक्लिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, कार्बोहाइड्रेट्स, इन सब के स्ट्रक्चर को जान पाइएगा, क्योंकि इनका बेस यही केमिस्ट्री है। तो पहले हम केमिस्ट्री का ये सब टॉपिक पढ़ेंगे, एंड देन हम बायो मॉलिक्यूल्स ये सब स्टार्ट करेंगे। ये सब हमें पढ़ना है बायोकेमिस्ट्री के अंदर। अब आप सोचेंगे कि केवल एटम्स ही नहीं, केमिस्ट्री के अंदर कुछ एलिमेंट्स भी तो हैं, जो कि पूरी की पूरी केमिस्ट्री जो है उसमें हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, ये सारे इतने सारे एलिमेंट्स हैं। तो क्या हमारे बॉडी के अंदर भी कुछ एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं? तो बिल्कुल, हमारे बॉडी के अंदर 25 एसेंशियल एलिमेंट्स हैं, जिनसे मिलके हमारा बॉडी जो है वो फॉर्म हुआ होता है। अब कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, तो उसमें आता है आपका कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस। ये कुछ इम्पॉर्टेंट 6 एलिमेंट्स हैं, जिनसे मिलके हमारे बॉडी का 96% भाग जो है वो बना होता है। इनमें से भी जो ये 4 एलिमेंट्स हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, ये बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल एलिमेंट्स हैं, क्योंकि ज़्यादातर जितने भी हमारे बॉडी के इनऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं हमारी बॉडी में प्रेजेंट, ये इन्हीं 4 एलिमेंट्स से मिलके बने होते हैं। और ये 6 हैं, सल्फर और फास्फोरस भी इम्पॉर्टेंट होता है, तो ये 6 तो इनको याद करने का भी एक ट्रिक है। चौंस
जॉन्स वर्ड से आप इन्हें याद रख सकते हैं। तो चलिए अभी तक जितनी भी बात किए इसका आप एक वर्ड लिख लीजिए, कॉपी पेस्ट मार लीजिए एंड देन हम आगे और एलिमेंट्स के बारे में अच्छे से जानेंगे। हाँ तो यहाँ तक की बात आपके समझ में आ गई है कि हम बायोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। बायोकेमिस्ट्री में हम थोड़ी सी केमिस्ट्री पढ़ेंगे एंड थोड़ी सी बायोलॉजी पढ़ेंगे, उसमें भी हम बायोलॉजी के अंदर बायोमोलिक्यूल्स को पढ़ेंगे और वो बायोमोलिक्यूल्स किन से मिलके बने हैं, तो एलिमेंट्स से मिलके बने हैं। तो थोड़ी सी स्टडी हम पहले एलिमेंट्स की ही क्यों ना कर लें। तो आइए चलिए और करते हैं स्टडी हम एलिमेंट्स के बारे में। आप ये 6 एलिमेंट से तो परिचित हो ही चुके हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर एंड फास्फोरस। लेकिन केवल ये 6 एलिमेंट्स ही नहीं होते हमारे बॉडी में, इनके अलावा कुछ आयंस भी होते हैं, कुछ जो है जैसे कटायंस, अनायंस भी होते हैं हमारे बॉडी में। तो कौन कौन से आयंस हैं, इसमें आपका आता है सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन, मैग्नीशियम, ये कुछ मुख्य आयन है, मेजर आयंस जो आपके बॉडी में जो है वो मेनली प्रेजेंट होता है इन एलिमेंट्स के अलावा। इसके अलावा कुछ जैसे कि सिल्वर, गोल्ड, कॉपर, कोबाल्ट, ये भी कुछ एलिमेंट्स हैं जो हमारे बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। उतने मेजर नहीं होते, ये थोड़े से माइनर प्रेजेंट होते हैं, बहुत कम मात्रा में होते हैं बट होते हैं। इसके अलावा Fe, ये कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं। Fe तो हमारे बॉडी में बहुत एसेंशियल है, हमारे ब्लड में हेमोग्लोबिन, उसमें Fe तो प्रेजेंट होता ही है, तो ये एसेंशियल तो है ही, लेकिन इन्हें हम कहते हैं क्या, इन्हें हम कोफैक्टर्स कहते हैं, हमारे बॉडी का कोफैक्टर्स कहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कोफैक्टर क्या चीज़ है, हमें तो नहीं पता। तो कोफैक्टर्स जो होते हैं वो हमारे बॉडी में एंजाइम्स को एक्टिवेट करते हैं या फिर एंजाइम्स के साथ जाके जुड़ जाते हैं। जैसे ये Fe, ZN, Mg, ये सब क्या करेंगे, एंजाइम्स के साथ जाके बाइंड हो जाते हैं और एंजाइम के लिए उसके फंक्शन को रिस्पॉन्स करवाते हैं, उसके फंक्शन करवाने में उसकी मदद करते हैं। तो इस प्रकार ये हमारे बॉडी में एक बहुत ही एसेंशियल रोल निभाते हैं, इसी के लिए इन्हें हम क्या कहते हैं, कोफैक्टर्स कहते हैं, क्योंकि एंजाइम के फंक्शन करवाने में हेल्प कर रहे होते हैं। मीन्स आप जाने कि ये कुछ एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं हमारे बॉडी में, ये कुछ आयंस प्रेजेंट होते हैं हमारे बॉडी में एंड ये कुछ एसेंशियल एलिमेंट्स नहीं है बट माइनर एलिमेंट्स हैं एंड ये कुछ कोफैक्टर्स हमारे बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। इसके साथ साथ हमारे बॉडी के अंदर कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी होते हैं। इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में आपका आता है अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, फॉर्मिक एसिड, एंड आपका यूरिया। ये कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जिसमें आपका अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, फॉर्मिक एसिड, यूरिया, अमोनिया। आप इन सब से परिचित हैं, ये सब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, हमारे बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अगर आप ध्यान से देखने की कोशिश करें तो आपको पता चलेगा कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं ये केवल 4 ही एलिमेंट्स से मिलके बने हुए हैं। कौन से 4 एलिमेंट्स, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। आप देखिए यहाँ क्या है, कार्बन है, ऑक्सीजन है एंड हाइड्रोजन है। यहाँ भी देखिए कार्बन है, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, बस यहाँ भी नाइट्रोजन है एंड हाइड्रोजन है।
आपका कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन, क्या इन चारों के अलावा और कोई एलिमेंट्स है इसमें? नहीं है ना, क्योंकि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमारे बॉडी के अंदर प्रेजेंट है वो सब किससे मिलके बने हैं? यही चार एलिमेंट्स से मिलके बने हैं। इसीलिए कहा जाता है कि 96% भाग तो ये चार एलिमेंट्स ही मिलके बना लिए होते हैं। हमारे बॉडी का इतना बड़ा पार्ट केवल और केवल ये चार एलिमेंट्स से मिलके बना हुआ है। समझ लीजिए ये कितने एसेंशियल एलिमेंट्स हैं लिविंग बींग के लिए। अब हम थोड़ा सा परसेंटेज की बात कर लेते हैं कि कौन से ऐसे प्रोटीन्स कितने परसेंट हैं हमारे बॉडी के अंदर, ये जो भी एलिमेंट्स हम पढ़ रहे हैं ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ये कितने परसेंट में हमारे बॉडी के अंदर प्रेजेंट है। डायरेक्टली आपसे पूछा तो नहीं जाएगा परसेंटेज, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कितना परसेंट है। कोई मान लीजिए बड़े बुजुर्ग लोग कुछ भी सिंपल सा सवाल पूछ देते हैं आपसे, पूछ देंगे बताइए ऑक्सीजन कितना परसेंट है आपके बॉडी के अंदर, तो आप क्या जवाब देंगे? उसके लिए आपको सीखना तो पड़ेगा ही। अगर आप लिखना चाहते हैं तो इसको दो मिनट में कॉपी पेस्ट कर लीजिए। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ, जहां हम पढ़ेंगे कि कौन से एलिमेंट्स हमारे बॉडी में कितने परसेंट प्रेजेंट हैं। सबसे पहले बॉडी में प्रेजेंट कुछ बायोमोलिक्यूल्स के ही परसेंटेज की बात कर लेते हैं। जैसे हमारे बॉडी में प्रेजेंट होता है प्रोटीन एंड फैट, कार्बोहाइड्रेट्स, ये तो आप जानते होंगे कि हम फूड के रूप में भी यही सब चीज़ें ले रहे होते हैं, प्रोटीन, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स, मिनरल्स, तो इन सब के परसेंटेज की बात कर रहे हैं। मिनरल्स, प्रोटीन, फैट्स, ये दोनों जो है हमारे बॉडी में 16% होता है, मिनरल्स ओनली 6% होता है, कार्बोहाइड्रेट्स हमारी बॉडी में ओनली 1% ही होता है। आपने सुना भी होगा कि कार्बोहाइड्रेट बहुत रिसेंट एनर्जी देता है, लेकिन जो है वो बहुत कम होता है हमारे बॉडी के अंदर। फैट्स जो है वो बहुत ज़्यादा एनर्जी देते हैं, रिसेंट नहीं देते लेकिन बहुत ज़्यादा एनर्जी देते हैं। मोर एनर्जी देने वाले फैट्स हैं और डिसेंट एनर्जी देने वाले कौन हैं? कार्बोहाइड्रेट्स हैं। इसका एक कारण ये भी है कि कार्बोहाइड्रेट्स का डाइजेशन हमारे माउथ से स्टार्ट हो जाता है, फैट का डाइजेशन जो है वो स्टमक से स्टार्ट होता है। तो वो सब तो डाइजेशन का टॉपिक है। यहाँ जनरली आप जाने कि कितना परसेंट जो है वो आपके बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स होता है, मिनरल्स 6% होता है, फैट एंड प्रोटीन 16% होते हैं। तो ये तो कुछ बायोमोलिक्यूल्स की बात हो गई कि ये बायोमोलिक्यूल्स हमारे बॉडी में कितने परसेंट होते हैं। अब कुछ एलिमेंट्स की बात कर लेते हैं, जैसे कि कार्बन, कार्बन हमारे बॉडी में 18% होता है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हमारे बॉडी में 9.5% होता है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन हमारे बॉडी में 65% होता है, नाइट्रोजन 3.2% होता है, सल्फर 0.2% होता है, फास्फोरस हमारे बॉडी में 1.2% होता है। यानी इन सब का परसेंटेज, और ये सब कुछ अप्रॉक्स में है, ऐसा नहीं है कोई अगर आपसे आके कह दिया कि ऑक्सीजन तो 62% ही होता है तो आपको कहोगे नहीं मैम ने तो पढ़ा था कि 65% होता है, ये अचानक से 62% कैसे हो गया? तो ऐसा नहीं है, ये बस अप्रॉक्स वैल्यू है, वो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे जो है वो हो जाता है। अब कोई मेज़र करके गया और जितना भी साइंस के जितने भी टर्म्स हैं ना वो अप्रॉक्स में लेके ही वैल्यू को चलते हैं, कुछ भी एग्जैक्ट नहीं होता है, तो उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। ओके, ये सब कुछ हो गया। इनके अलावा भी कुछ होते हैं हमारे बॉडी में, जैसे क्लोरीन है, ठीक है, कैल्शियम, कैल्शियम जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कैल्शियम को कैसे भूल गए, कैल्शियम है, फास्फोरस हो गया, सोडियम भी है, इन्हें भी हैं, ये सब भी प्रेजेंट होते हैं ना, तो ये सब लगभग वही 0.2% में ही आ जाते हैं, 0.2% ही हमारे बॉडी के अंदर होते हैं। एंड जनरल बाकी जो भी एलिमेंट्स बचते हैं वो ओनली 1% में आते हैं, अदर एलिमेंट्स। अब मैं एक छोटा सा सवाल आपसे पूछती हूँ, क्या आपको पता है कि आपके बॉडी के अंदर PB एंड HG होता है? क्या आप बता सकते हैं? PB यानी कि आपका लेड एंड HG आपकी मरकरी, क्या आप जानते हैं कि आपकी बॉडी में ये दोनों एलिमेंट्स होते हैं? आपने पढ़ा 25 एसेंशियल एलिमेंट्स हैं, तो क्या वो 25 के अलावा नहीं होते? होते हैं, कुछ और भी एलिमेंट्स होते हैं, 25 तो एसेंशियल हैं, तो क्या उनमें से ये PB और HG आता है?
तो आप कहेंगे नहीं नहीं आता है, फिर मैं पूछूंगी क्यों नहीं आता है, तो आपको पता होना चाहिए इसलिए नहीं आता क्योंकि ये हमारे बॉडी के लिए टॉक्सिक होता है, बहुत हानिकारक है ये लेड और मर्करी, हमारे बॉडी के अंदर नहीं सर्वाइव कर सकता है, रहेगा तो फिर हम ही नहीं रहेंगे, तो इसलिए ये एलिमेंट्स नहीं रहते। और टोटली सारे एलिमेंट्स जो 118 एलिमेंट्स हम पीरियोडिक टेबल में पढ़ रहे होते हैं वो टोटल एलिमेंट्स भी नहीं होते, लेकिन हाँ कुछ स्पेशल एलिमेंट्स हमारे बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं जो हमारे लिए बहुत एसेंशियल भी हैं। चलिए अगर आप परसेंटेज लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, ये भी लिख लीजिए कि पी बी एंड एच जी जो है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा टॉक्सिक एलिमेंट्स हैं, तो जिनका हमारे बॉडी में कोई उपयोग नहीं है, इसलिए हमारे बॉडी में वो प्रेजेंट नहीं होते हैं। ओके लिख लीजिए। चलिए तो अब आप पढ़ चुके हैं क्या क्या कि एलिमेंट्स कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं हमारे बॉडी के अंदर, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बन रहे होते हैं वो किस एलिमेंट से बन रहे होते हैं। अब हम थोड़ा सा बॉन्डिंग की तरफ बढ़ते हैं कि हमारे बॉडी में जो एलिमेंट्स हैं वो बॉन्ड फॉर्म करेंगे, बंधे होंगे एक दूसरे के साथ, तभी तो हमारे बॉडी के अंदर वो मॉलिक्यूल्स बना रहे होंगे या बायो मॉलिक्यूल्स बना रहे होंगे। तो आखिर बॉन्डिंग कैसे होती है, तो हम अपने टॉपिक बॉन्डिंग की तरफ बढ़ते हैं। बॉन्डिंग, क्या आप जानते हैं कि बॉन्डिंग कब बनता है, जैसे मेरे और आपके बीच कब बॉन्ड बनेगा, जब मैं या तो आपको कुछ दे रही हूँ, जैसे मैं आपको फ्री में नॉलेज बांट रही हूँ, तो आप मेरे पास आएंगे नॉलेज लेने के लिए, तो हम दोनों, मैं एक डोनर हूँ आप एक्सेप्टर हो, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि मैं कुछ ट्रांसफ़र कर रही हूँ और आप कुछ गेन कर रहे हैं, तो हम दोनों के बीच एक बॉन्डिंग बन रही है। या हो सकता है कि शेयरिंग हो रही हो, मैं आपको पढ़ा रही हूँ उसके बदले आप मुझे पैसे दे रहे हैं, तो यहाँ क्या हो रहा है, मैं आपको कुछ दे रही हूँ तो आप भी उसके बदले मुझे कुछ दे रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो रही है, शेयरिंग हो रही है। यानी बॉन्डिंग जब भी बनता है तो हमेशा दो तरह से हो सकता है, या तो कुछ ट्रांसफ़र हो रहा हो या किसी चीज़ की शेयरिंग हो रही हो, तो दो तरह के बॉन्ड्स हो सकते हैं। या तो बॉन्डिंग तब बनेगा जब किसी तरह का कुछ भी ट्रांसफ़र हो रहा हो, या फिर ट्रांसफ़र ना होकर क्या हो रही हो, शेयरिंग हो रही हो। अब ट्रांसफ़र भी दो तरह का हो सकता है, हो सकता है कि कंप्लीट ट्रांसफ़र हो, या हो सकता है कि इनकम्प्लीट ट्रांसफ़र हो। कंप्लीट ट्रांसफ़र एंड इनकम्प्लीट ट्रांसफ़र हो सकता है, हो सकता है कि मेरे पास जितना भी नॉलेज है मैं टोटल का टोटल आपको दे दूं, या हो सकता है कि मेरे पास बहुत ज़्यादा नॉलेज है लेकिन मैं कुछ रख लूँ अपने पास, सब आपको ना लूँ, या तो कंप्लीट ट्रांसफ़र कर सकती हूँ मैं, या फिर इनकम्प्लीट ट्रांसफ़र हो सकता है। शेयरिंग भी दो तरह की होती है, या तो इक्वल शेयरिंग हुई या फिर अनइक्वल शेयरिंग हुई। शेयरिंग भी दो तरह की दिखाई देती है, इक्वल शेयरिंग या अनइक्वल शेयरिंग। या तो मैं जितना दे रही हूँ उतना ही आप मुझे भी दीजिए, तो इक्वल शेयरिंग, या हो सकता है कि मैं आपको बहुत सारा ज्ञान दे रही हूँ और उसके बदले में आप मुझे थोड़ा सा पैसा दे रहे हो, तो ये अनइक्वल शेयरिंग हो सकती है। जैसे हम लोग वाटर का एग्जांपल लिए थे कि हमारे बॉडी में सबसे बड़ा मॉलिक्यूल जो प्रेजेंट होता है वो वाटर प्रेजेंट होता है, क्योंकि हमारी बॉडी तो बना ही हुआ है वाटर से, 70% वाटर है। तो वाटर को ही अगर आप देख लीजिए H2O, तो यहाँ पे हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के बीच अनइक्वल शेयरिंग हो रही होती है। ऑक्सीजन ले रहा होता है हाइड्रोजन से दो और दे रहा होता है उसके बदले में एक इलेक्ट्रॉन, तो अनइक्वल शेयरिंग यहाँ पे होके ये दोनों आपस में एक बॉन्ड के थ्रू जुड़े हुए होते हैं। अगर इक्वल शेयरिंग हुई तो वो कंपोनेंट कहलाता है नॉन पोलर, एंड अगर अनइक्वल शेयरिंग हुई तो वो कंपोनेंट कहलाता है पोलर। जैसा कि आप जानते हैं वाटर इज़ अ पोलर कंपोनेंट एंड वाटर डिजॉल्व्स ऑलवेज, मतलब पोलर डिजॉल्व ऑलवेज पोलर, पोलर चीज़ तो पोलर चीज़ों को ही डिजॉल्व करेगा, तो वाटर एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी है और पोलर होने के कारण पोलर चीज़ों को अपने अंदर बहुत आसानी से डिजॉल्व कर लेता है। ओके अब इसी के आधार पे, ट्रांसफ़र होने के आधार पे या शेयरिंग के आधार पे, जो हमारे बॉन्ड्स हैं वो दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है आपका स्ट्रॉन्ग बॉन्ड एंड देन वीक बॉन्ड। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स में आपके आते हैं
आयनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड एंड मेटालिक बॉन्ड। वीक बॉन्ड में आपका होता है हाइड्रोजन बॉन्ड, डाइपोल डाइपोल वांडरवाल हाइड्रोफोबिक एंड हाइड्रोफिलिक। ये इतने सारे बॉन्ड्स जो हैं हमारे वीक बॉन्ड्स हैं, ठीक है, और ये तीन स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स कहलाते हैं। अब ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कब बन रहा होता है, वीक बॉन्ड कब बन रहा होता है, तो जब भी ट्रांसफ़र होता है, और वो भी कैसा ट्रांसफ़र, कंप्लीट ट्रांसफ़र। तो कंप्लीट ट्रांसफ़र में बनता है हमेशा कौन, आयनिक बॉन्ड। जब भी किसी एलिमेंट्स का, इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र हो रहा हो और कंप्लीट ट्रांसफ़र हो रहा हो, तो ऐसे कंडीशन में कौन सा बॉन्ड बनेगा हमारा, आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड में दो चीज़ें बनती हैं, कटायन एंड अनायन, ठीक है। कटायन जैसे कि आयनिक बॉन्ड का एग्जांपल हो गया आपका NaCl। आप जानते हैं कि Na के पास हमेशा एक पॉजिटिव, NaCl का बॉन्ड जब भी टूटता है तो Na अपना एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन को दे देता है, क्योंकि आप जानते हैं क्लोरीन काफ़ी चंट है। चंट क्यों है, क्योंकि ये 17 ग्रुप का मेंबर है। 17 ग्रुप कौन, 18 ग्रुप के जस्ट पहले वाला 17 ग्रुप याद होगा आपको, पीरियोडिक टेबल में हैलोजन ग्रुप जो होते हैं उसका मेंबर है। ये चंट है, बस एक इलेक्ट्रॉन की कमी है इसको, तो ये कहीं से भी देखता है कि एक इलेक्ट्रॉन हमको मिल जाए। और ये सोडियम मेटल है जो कि दानी भवानी है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा भी है, तो ये सोचता है क्या करूँगा मैं एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लेके, चलो मैं क्लोरीन को दे देता हूँ, कोई बात नहीं है ये चंट है बट इसके साथ मेरे को अच्छी बॉन्डिंग मेरी हो रही है तो मैं कर लेता हूँ। तो इस पर हमेशा आता है पॉजिटिव चार्ज, इन दोनों की बॉन्डिंग जब भी टूटेगी भी तो Na पे आएगा पॉजिटिव चार्ज एंड क्लोरीन पे आएगा नेगेटिव चार्ज, यानी बन रहा है कटायन एंड अनायन का फॉर्मेशन हो रहा है, यानी कंप्लीट अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको हमेशा हमेशा के लिए दे दे रहा है। तो जब भी ट्रांसफ़र हो वो भी कंप्लीट ट्रांसफ़र, तो कौन सा बॉन्ड बनता है हमारा, आयनिक बॉन्ड बनता है। आई बात समझ में। एंड देन कोवैलेंट बॉन्ड कब बनता है, जब शेयरिंग होती है। क्या होती है, शेयरिंग होती है, या तो इक्वल शेयरिंग या अनइक्वल शेयरिंग, लेकिन जब भी शेयरिंग होगा इलेक्ट्रॉन्स का तो कौन सा बॉन्ड कहलाता है हमारा, कोवैलेंट बॉन्ड कहलाता है। एंड मेटालिक बॉन्ड की बात कर ले तो मेटालिक बॉन्ड बनता है मेटल्स के बीच में, और आप जानते ही हैं कि मेटल्स के पास हायर ऑर्बिटल्स होते हैं, और उनके हायर ऑर्बिटल्स में लास्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियस से ज़्यादा क्लोजली पैक नहीं होते, तो वो आसानी से छूट के जा सकते हैं, दूर जा सकते हैं, क्योंकि वो क्लोजली पैक्ड ही नहीं है। तो ऐसे जो बॉन्ड बनते हैं मेटल्स के बीच में वो कैसा बॉन्ड कहलाता है, मेटालिक बॉन्ड। यहाँ भी ट्रांसफ़र ही हो रहा होता है, क्योंकि मेटल्स के पास इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करने की टेंडेंसी अच्छी खासी होती है, लेकिन बड़े होने के कारण, जैसे आपने ऑक्टोपस देखा है उसके 8 पैर होते हैं, तो अब मेटल्स भी बड़े बड़े से होते हैं, इनके पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं लास्ट सबसेल में, ये सोचते हैं कि मैं अलग अलग हाथों से अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स को पकड़ लूँ, और अलग अलग कंपोनेंट्स के साथ ये बाइंड हो सकते हैं। जैसे अगर आप लोगों ने हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर देखा हो Fe का, तो Fe अलग अलग से पाइरूवेट ग्रुप के साथ जो है वो जुड़ा होता है, और ये आपस में भी जुड़े हुए होते हैं। ये हेमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर आप इसी बायोकेमिस्ट्री में ही आगे अच्छे से इसके स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे, बस मैं एग्जांपल दे रही हूँ कि Fe एक मेटल है और ये अलग अलग ग्रुप के साथ, अलग अलग एलिमेंट्स के साथ, अलग अलग ग्रुप के साथ जो है वो जुड़ा हुआ है, यानी एक साथ बहुत सारे बॉन्ड बना रहा है। ये आपका कोवेलेंट बॉन्ड भी बना सकता है एंड आयनिक बॉन्ड, यानी हो सकता है कि ये किसी एलिमेंट के साथ जुड़ा हुआ हो शेयरिंग करके, और वहीं पे किसी और के साथ जुड़ गया हो अपने इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफ़र करके, तो ये दोनों को बना लेता है। इसीलिए इस मेटालिक बॉन्ड को हम एक और नाम से जानते हैं, उसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड मीन्स क्या, कोऑर्डिनेट मतलब कोवेलेंट बॉन्ड भी बना सकता है और ये आयनिक बॉन्ड भी बना सकता है, क्योंकि मेटल्स के पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, तो ये हो सकता है कि कोवेलेंट बॉन्ड भी बनाए एंड
आयनिक बॉन्ड भी बनाए। तो इस तरह से इसको हम लोग क्या कौन सा बॉन्ड कहते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी कहते हैं, मेटालिक बॉन्ड को। तो क्या आपको बॉन्डिंग का स्ट्रॉन्ग बॉन्ड समझ में आया कि बॉन्डिंग में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कब कब बनता है, जब ट्रांसफ़र हो रहा हो या फिर शेयरिंग हो रही हो। अगर कंप्लीट ट्रांसफ़र हो रहा हो तो कौन सा बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड। इनकम्प्लीट ट्रांसफ़र हो रहा हो तो कौन सा बॉन्ड, मेटालिक बॉन्ड, क्योंकि मेटल्स किसी को इलेक्ट्रॉन दे तो देते हैं लेकिन फिर ज़रूरत पड़ने पर वापस ले लेते हैं। और कोवेलेंट कंपाउंड कब बनता है, जब क्या हो रही हो, शेयरिंग हो रही हो। यहाँ तक शायद आपको बात समझ में आ गई हो। अब हम वीक बॉन्ड्स की बात करेंगे कि वीक बॉन्ड कब कब बनता है और कैसे कैसे बनता है। तब तक आप एक बार इसका कॉपी पेस्ट मार लीजिए, देन हम लोग वीक बॉन्ड्स की बात करेंगे। ओके, हो गया। अब हम लोग बात कर लें वीक बॉन्ड्स की। क्या आपका वीक बॉन्ड, वीक बॉन्ड में सबसे पहला कौन है आपका, हाइड्रोजन बॉन्ड। ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड है ये बनता है आपके फोन के साथ। अब आप सोच रहे हैं फोन क्या, आप लोग के घर में टेलीफोन तो रहा ही होगा कभी ना कभी। अरे नहीं नहीं टेलीफोन नहीं, फोन का मतलब यहाँ पे फ्लोरीन, ओ से ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, फ्लोरीन ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। यानी कि हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है या तो फ्लोरीन के साथ, या तो ऑक्सीजन के साथ, या तो नाइट्रोजन के साथ। इन्हीं तीनों के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म हो सकता है। आप सोच रहे हैं इन तीनों का मतलब क्या, अगर हाइड्रोजन फ्लोरीन के साथ जुड़ा हो तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, या तो हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हो तो बनेगा, या तो हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ जुड़ा हो तब भी कौन सा बॉन्ड बन रहा होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा होता है। लेकिन ये FON ही काफ़ी नहीं है, इसके अलावा अगर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस, किसी भी दो एटम में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या आप जानते हैं, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होता है, किसी भी एटम का जो इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी होती है वह इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कहलाती है। इलेक्ट्रॉन्स को लेने की टेंडेंसी, जैसे कि कोई एलिमेंट अगर एटम दे देता है तो इलेक्ट्रो पॉजिटिव बन जाता है, और जो एटम इलेक्ट्रॉन ले लेता है वह इलेक्ट्रोनिगेटिव बन जाता है। तो किसी भी एटम के द्वारा इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कहलाती है आपकी। तो अगर किसी भी दो एटम्स का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस या तो 0.9 हो या 0.9 से ज़्यादा हो तो ऐसे में क्या बनता है आपका, हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। लेकिन अगर उनके इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस 0.9 से कम हुआ तो वो कभी भी हाइड्रोजन बॉन्ड को फॉर्म नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल फ्लोरीन का जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होती है वो लगभग 4 के बराबर होती है। आपके क्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी 2.1 के बराबर होती है, नाइट्रोजन की 3.0 होती है ना, क्लोरीन की जो है वो 2.5 के आसपास होती है, एंड ऑक्सीजन का जो होता है वो 3.5 होता है। तो ये सब कुछ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है हर एलिमेंट्स का अपना। आप जानते हैं कि सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट जो है वो कौन है, फ्लोरीन है, उसके बाद ऑक्सीजन है, एंड देन नाइट्रोजन है, एंड देन नाइट्रोजन के बाद आपका आता है क्लोरीन। तो FON यानी कि फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, ये तो एक रेशियो है ही है। तो फ्लोरीन सबसे ज़्यादा हायर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट होता है। दूसरा इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट कौन है, ऑक्सीजन है, एंड देन नाइट्रोजन है। तो अगर हम दो के बीच का देखें, फ्लोरीन एंड हाइड्रोजन के बीच इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस देखेंगे तो लगभग 0.9
या 1.9 के बराबर आएगा, 4 में से 2.1 को घटा लीजिए, फ्लोरीन माइनस हाइड्रोजन ये हो जाएगा, तो 0.9 या 1.9 के बराबर जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस आता है या 0.9 से ज़्यादा जिसका भी आता है वो सब क्या कहलाते हैं आपके, उनके बीच बनने वाला बॉन्ड कौन सा बॉन्ड होता है आपका, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। या तो आप फ्लोरीन में से हाइड्रोजन को हटा के देख लीजिए, फ्लोरीन से क्लोरीन, मतलब जितने भी हैं हाइड्रोजन के साथ, हाइड्रोजन के साथ नाइट्रोजन, हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन, हाइड्रोजन के साथ क्लोरीन, इन सब के बीच का जब डिफरेंस देखेंगे तो या तो वो 0.9 या 0.9 से ज़्यादा आएगा, तो इसलिए इनके बीच जो है वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है एंड देन दूसरे के साथ जो है वो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बन सकता। कैलकुलेशन आप खुद कर लीजिए, कोई डाउट नहीं। अब हम लोग बात कर लेते हैं नेक्स्ट बॉन्ड, हमारा नेक्स्ट बॉन्ड कौन सा है, डाइपोल। डाइपोल 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 बॉन्ड अभी तक तो आप सीखे कि अच्छा या तो ट्रांसफ़र हो रहा होता है या तो शेयरिंग हो रही होती है तभी बॉन्ड बन रहा होता है, या डाइपोल डाइपोल कब बन जाता है, और ये हाइड्रोजन वाले में जाने के अच्छा FON के साथ हाइड्रोजन जुड़ता है तो हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है। तो डाइपोल डाइपोल का क्या स्टोरी है, जब इलेक्ट्रॉन की इम्बैलेंसिंग हो जाती है, मतलब कहीं पर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा एंड देन कहीं पर इलेक्ट्रॉन कम, जब ऐसा सिचुएशन बनता है जैसे एक ही एटम के अंदर एक एटम है, इस एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कहीं पे बहुत ज़्यादा हो जाती है और कहीं पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम हो जाती है, तो ऐसा क्रिएशन यानी इम्बैलेंसिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन देखने को मिलता है, तो ऐसे कंडीशन में क्या बनता है, हमारा डाइपोल डाइपोल बॉन्ड बनता है। अब ये इम्बैलेंसिंग भी दो तरह की हो सकती है, या तो ये इम्बैलेंसिंग टेम्पोररी हो सकता है या फिर ये इम्बैलेंसिंग परमानेंट तौर पे हो सकता है। तो अगर ये इम्बैलेंसिंग परमानेंटली हमेशा यहाँ का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा यहाँ की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई, तो यहाँ पे जो दूसरा एटम होगा जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम और कहीं पे ज़्यादा होगी, तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे ना, तो बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो कौन सा बॉन्ड बनेगा, डाइपोल डाइपोल बॉन्ड बनेगा। तो हमेशा के लिए अगर ये कंडीशन हुआ, मतलब परमानेंटली अगर ऐसा कोई कंडीशन बनता है इम्बैलेंसिंग का, तो वहाँ पर बॉन्ड बनता है डाइपोल डाइपोल। लेकिन अगर टेम्पोररी फॉर्म में टेम्पोरली ऐसा कोई कंडीशन आता है, कहीं पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा हो गई, कहीं पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम हो गई, तो वहाँ पे जो बॉन्ड बनता है वहाँ पे हमारा बनता है वैन डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जैसा कि आप जानते ही हैं कि वैन डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे वीकेस्ट फोर्स है जो बहुत आसानी से टूट भी सकता है, तो यहाँ पे जो टेम्पोररी है ना, टेम्पोररी इम्बैलेंसिंग हो रही है, डेंसिटी ज़्यादा डेंसिटी कम, हो सकता है कि फिर ये अपना फॉर्म चेंज कर ले, यहाँ पे जो जहाँ डेंसिटी है वहाँ डेंसिटी ज़्यादा हो जाए कम वाले जगह पे, ज़्यादा वाले डेंसिटी जगह पे डेंसिटी कम हो जाए, तो इस तरह से ये जो इलेक्ट्रॉन की इम्बैलेंसिंग है वो मेंटेन हो जा सकती है, तो ये वैन डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टूट सकता है। सबसे वीकेस्ट फोर्स होता है ये वैन डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो कि यहाँ पे बन रहा होता है इलेक्ट्रॉन्स की इम्बैलेंसिंग के कारण। एंड देन दो और वीक बॉन्ड बने बचे हमारे, कौन कौन से, हाइड्रोफोबिक एंड हाइड्रोफिलिक। कौन कौन से बॉन्ड्स रह गए हमारे, हाइड्रोफोबिक एंड हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफोबिक बॉन्ड एंड हाइड्रोफिलिक बॉन्ड। अब नाम से ही पता चलेगा इसका अर्थ, फोबिक, फोबिया वर्ड का मतलब समझते हैं आप, लोगों को ना स्यूडो फोबिया हो जाता है, स्यूडो मीन्स क्या, झूठ मूठ का, फोबिया मीन्स क्या, डर लगना, झूठ मूठ का लोगों को डर लगने लगता है ना किसी चीज़ का, बायोकेमिस्ट्री से कुछ लोगों को डर लगता है टॉपिक सुन के, अरे बायोकेमिस्ट्री पता नहीं क्या होने वाला है इसके अंदर, तो लोगों को स्यूडो फोबिया हो जाता है। तो यहाँ पे कौन सा फोबिया है, इसको हाइड्रोफोबिक है ये, हाइड्रो मीन्स क्या, वाटर, फोबिया मीन्स क्या, नफरत, यानी हाइड्रो पानी से नफरत करने वाले क्या कहलाते हैं, हाइड्रोफोबिक कहलाते हैं। एंड हाइड्रोफिलिक मीन्स क्या, पानी से लव करने वाले जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे, फिलिक मीन्स लव, हाइड्रो मीन्स वाटर, यानी वाटर से लव करने वाले जो मॉलिक्यूल्स होंगे उनके बीच जो बॉन्ड बनता है वो कौन सा बॉन्ड बनता है, हाइड्रोफिलिक। और हाइड्रोजन से हिट करने वाले जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच जो बॉन्ड बनता है वो कौन सा बॉन्ड बनेगा, हाइड्रोफोबिक। अब कहेंगे ऐसा कौन सा है जिसके बीच हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक बनता है, तो पानी को देख लीजिए, पानी यानी H2O, खुद पोलर है ये,
तो ये जितने भी चीज़ों को अपने अंदर डिजॉल्व करता है हमेशा वाटर से लव करने वाले, अपने से लव करने वालों को ही तो डिजॉल्व करेगा ना, तो हमेशा हाइड्रोफिलिक बॉन्ड बना के अपने जैसे ही किसी पोलर के साथ वो बॉन्ड करेगा, बॉन्ड फॉर्म करेगा और अपने में डिजॉल्व कर लेगा। लेकिन जो हाइड्रोफोबिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे वो वायल वगैरह कभी वाटर में डिजॉल्व होते हैं क्या? नहीं हो सकते ना, क्योंकि वो हाइड्रोफोबिक नेचर के हैं, वो पानी से प्यार नहीं करते हैं। तो क्या आपको आया कि वीक बॉन्ड्स में कौन कौन सा बॉन्ड था? हाइड्रोजन बॉन्ड जो किसके बीच बन रहा था, एफ ओ एन के साथ बन रहा था। डाइपोल डाइपोल जो किसके कारण बन रहा था, इनबैलेंसिंग के कारण बन रहा था। किसके इनबैलेंसिंग? इलेक्ट्रॉन के इनबैलेंसिंग के कारण, वो भी परमानेंट इलेक्ट्रॉन का इनबैलेंसिंग हो जाए। तो वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कब बन रहा था? जब इलेक्ट्रॉन का टेम्पोरी इम्बैलेंसिंग हो जाता है तो वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बनता है वीक बॉन्ड में। एंड हाइड्रोफोबिक बॉन्ड कब बनता है? जो वाटर से हिट करने वाले मॉलिक्यूल्स होते हैं। हाइड्रोफोबिक किसके बीच बनता है? हाइड्रोफिलिक, जो वाटर से लव करने वाले मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने कंप्लीट किया कि कौन कौन सी बॉन्डिंग, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग कैसे बनती है, वीक बॉन्ड्स कौन कौन से होते हैं और कैसे कैसे किनके किनके बीच फॉर्म होते हैं। 2 मिनट में कॉपी पेस्ट मार लीजिए। चलिए, तो आप लोग लिख चुके हैं। आज हमने फाइनली जाना कि बायोकेमिस्ट्री किसे कहते हैं, ये कहाँ से आया है, बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री से कैसे मिलके बना है, इसमें कितनी केमिस्ट्री है एंड कितनी बायोलॉजी है। और आज हम सबसे पहला टॉपिक एटम मॉलिक्यूल्स एंड उनके बीच बनने वाले बॉन्डिंग्स के बारे में डिस्कस किए हैं कि कौन कौन से बॉन्ड्स बनते हैं और कैसे कैसे बनते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक केमिस्ट्री का ही टॉपिक है, मोल कॉन्सेप्ट, जिसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। एंड देन केमिस्ट्री के कुछ बेसिक टॉपिक जैसे थर्मोडाइनेमिक्स, पीएच बफर कॉन्सेप्ट, इन सबको कंप्लीट करने के बाद ही बायोकेमिस्ट्री के मेन टॉपिक्स एमिनो एसिड की तरफ बढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। क्या आपको अच्छे से बॉन्ड समझ में आया, अच्छे से जो बायोकेमिस्ट्री का स्टार्टिंग थी? क्योंकि अगर आप स्टार्टिंग अच्छी करेंगे तो आपका आगे का भी अच्छा जाएगा। तो हमारे वीडियो के कमेंट में आप कमेंट कर सकते हैं कि आपको ये पूरा वीडियो कैसा लगा, क्या डाउट रह गया आपका, मैं वो क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगी। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू। मिलेंगे अगले वीडियो में आपके साथ मूल कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू।